हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन से, जहां इंदौर रोड स्थित मानसा में जश्न के बीच शराब और अश्लीलता की खबर मिलने पर बजरंग दल पहुंच गया, जिसके बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। आपको बता दें, नानाखेड़ा थाना क्षेत्र होटल मनसा रिजॉर्ट में नववर्ष की पार्टी आयोजित की गई थी। यहां युवक युवती शामिल थे। रिजॉर्ट के गार्डन में जहां टेबल सजी हुई थी, वहीं हर कमरे में युवा शराब पार्टी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मामले की जानकारी बजरंग दल को लगी, तो मौके पर पहुंचकर बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया। इस बीच बजरंग दल ने होटल में जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को देख पार्टी में शामिल युवाओं में अफरा तफरी मच गई। कमरों से युवक युवतियां निकलकर भागने लगे। वहीं जब ये जानकारी पुलिस को मिली, तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। उज्जैन बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी है। कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा होटल में कुछ बाहर की युवती और कुछ असामाजिक तत्व वहां पर दारू की पार्टियां 31st की पार्टियां कर रहे थे। असामाजिक तत्व भी वहां पर थे। सूचना लगते ही सारे पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। वहां पर जाकर देखा कि सारे लोग सारे दारू की पार्टियां कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति वहां पर ख़राब थी। वहां पर जाकर रूमों में भी चेक करा तो रूमों में भी महिलाएं सारी अर्धनग्न अवस्था में वहां पर हमको पाई गई। सारे को सबको पकड़ कर नानाखेड़ा थाने के टीए सबको सूचित करा। सूचित करने के बाद वहां पर कायमी की कार्रवाई गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका पूर्वजोत विरोध करता है, पहले भी करता था और आगे भी करता रहेगा। मेरा नाम सोनू जैन है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सेवा प्रमुख। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में पार्टी और जश्न की अनुमति नहीं दी गई थी, वहीं अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।